मेरा हेलो दोस्तों, मेरा नाम सजाद अंसारी, मैं मलपुरा बाघाई जिला पश्चिम चंपारण के निवासी हूँ। आपको KYP के बारे में कैसे पता चला? हमको KYP के बारे में पता इसलिए चला कि सर वहाँ पे गए थे। हम लोग इंटर फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे थे, सर वहाँ पे गए और अपना पंपलेट दिखाकर बच्चों को दिखा रहे थे कि देखो बच्चे, ये करने से बहुत फायदा है और आगे भविष्य में चलकर बहुत अच्छा काम करेगा। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है सर, हम लोग करेंगे। तो हम अभी ये जो दुबे टोला में अभी हम देखे नहीं थे इसको, तो हमारे दोस्त है रंजन, उन्होंने वो देखा था तो हमको यहाँ पे लाया और हम एडमिशन कराने के सब तैयारी में थे। वो लाया और हम बोले कि सर हमको एडमिशन कराना है। तो सर बोले ठीक है, इसमें क्या और अच्छा ही है। तो सर हमको बहुत बेहतर तरीके से बताए। आप KYP में क्या क्या सीखे? हम KYP में बहुत सी चीज़ें सीखे, जैसे कि पावर पॉइंट, एक्सेल, ईमेल बनाना, ये सब बहुत अच्छा है। पहले हमको ईमेल बनाना नहीं ढंग आता था, तो सर ने बताया कि ईमेल बनता है इसी तरह से। तो सबसे पहले हम जाना पड़ता दुकान में बहुत लंबी लाइन लगी थी, उसमें लाइन में लगना पड़ता था, बहुत ज़्यादा समय भी लगता था। और मैं जब सीख गया तो अपने आप ही से बना लेता हूँ। कई आदमियों को मैंने अपने हाथ से बनाया, अब दुकान पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही हमें पैसे खर्च करने के। आपको KYP में सबसे अच्छा क्या लगा? हमें KYP में सबसे अच्छा लगा कि गूगल मैप हमें इसलिए अच्छा लगा कि अगर हमको पटना जाना है तो पटना जाना हो तो हम कंडक्टर से पूछना पड़ता था कि कब आएगा और कहाँ पे आएगा, कितना दूर और बाकी है। तो हम अपने गूगल मैप की सहायता से बहुत अच्छे तरीके से ढूंढ लेता हूँ कि कहाँ है, कितना मिनट लगेगा और कितना दूर है। ये बहुत सबसे हमको बहुत अच्छा लगा। आप में KYP करने के बाद आप में क्या बदलाव आया? हम KYP में जब शुरू में आया तो हमें कुछ ढंग नहीं था। सबसे पहले हमें बदलाव यह आया कि हम कंप्यूटर चलाना नहीं जानते थे और ना ही उसको ऑफ या करना जानते थे। तो हमको पहले झिझक सा लगा कि हम कैसे चलाएंगे इसको। तो सर ने बताया कि पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड, इस सब के बारे में सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताए और हम इसमें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ भी लिए। और हम अभी नहीं जानते थे कि ये क्या चीज़ है, तो सर ने बताया ये माउस है, ये कीबोर्ड है, ये कंप्यूटर है, ये सब। हमको कोई भी चीज़ों को ऑनलाइन करने का ढंग नहीं आता था, तो सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया, जैसे कि जाति हो गया, आय हो गया, निवास हो गया। तो हम अगर निवास बनवाए जाते थे ब्लॉक में तो हमको बहुत ज़्यादा समय लगता था और लाइन में लगनी पड़ती थी। तो वहाँ पे फॉर्म भरकर अप्लाई करना पड़ता था और अब हम अपने हाथों से ही बहुत जल्दी कर लेते हैं और वहाँ पे जाने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ता है और हम जाते भी आए निवास अपने हाथों से ही बना लेते हैं। हमको अब किसी चीज़ की दिक्कत नहीं करनी पड़ती, सामना नहीं करना पड़ता है और अब हम अपने हाथों से ही सब काम कर लेते हैं। थैंक्स।